ये देखिए गाइस, विभिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। चल। हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग बर्डीज। ये वीडियो हमारा साल का पहला वीडियो है। तो आज हम जा रहे हैं सिंहगढ़ फोर्ट। सिंहगढ़ फोर्ट एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो 180 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या क्लाउड्स दिख रहे यार? ओ माय गॉड, ओ हो, पूरा व्हाइट खड़क वासला। गुड 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 गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, क्या माहौल है इधर। सिंहगढ़ फोर्ट सह्याद्री पर्वत से समुद्र से लगभग 1300 मीटर ऊंचाई पर है। आप सिंहगढ़ फोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद की गाड़ी से भी आ सकते हैं। सिंहगढ़ पहुंचते आपके पास दो ऑप्शन होंगे फोर्ट तक जाने के लिए। एक तो आप ट्रैक करके जा सकते हैं, या आप सीधे अपनी गाड़ी लेकर ऊपर जा सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप गाड़ी से ऊपर जाना चाहते हैं तो ऊपर ही आपको पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। अगर आपको ट्रैक करके ऊपर जाना है तो आपको बहुत सारे लोकलाइट्स मिल जाएंगे जो मिनिमल कॉस्ट में आपकी गाड़ी पार्क करवा देंगे। सो हम लोग पहुँच गए हैं और हम ट्रैक करके ऊपर जाने वाले हैं, तो चले। अगर आपको ट्रैक करना है तो कुछ बेसिक्स फॉलो कीजिए, जैसे कि ट्रैक पैंट पहनिए, कैप कैरी कीजिए और वाटर बॉटल भी, और जितना हो सके लूज कपड़े पहनिए ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो, और शूज मस्ट है। बारिश के टाइम पानी बेहतर है ना? उतरने को जल्दी उतर फिर उतरने को ऊपर से नीचे का नजारा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। सिंहगढ़ पुणे से नजदीक होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ से भाई, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए पूरे 10 मिनट ले लिए भाई साहब ने। और से देखिए इस चेहरे को। ये देखिए गाइस, विभिन्न प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। चल। और फाइनली हम ट्रैक करके फोर्ट के ऊपर पहुंच गए हैं। हमें लगभग 2.5 घंटे लग गए ऊपर आने में। ये
यहाँ खाने और पीने की चीज़ों की कमी नहीं होगी। यहाँ हर 10-20 कदम पे आपको यहाँ के लोकलाइट्स, फ्रूट्स, गोला, सोडा, पानी बेचते नजर आएंगे। और फाइनली हम लोग एंटर कर रहे हैं फोर्ट के अंदर। फोर्ट के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी है। ये किला मुगलों के पास था। मराठा सैन्य और मुगलों के बीच सन 1672 में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के नेतृत्व मराठा सरदार तानाजी मालुसरे ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह जंग जीत ली और किला हासिल किया। तानाजी मालुसरे इस लड़ाई में शहीद हो गए। तानाजी मालुसरे के सिंह जैसे पराक्रम की वजह से ये किले का नाम सिंहगढ़ रखा गया। किले के ये अवशेष पराक्रम की कहानियां आज भी रोंगटे खड़ी कर देती है। और यह है पराक्रमी पुरुष तानाजी मालुसरे का स्मारक। आप यहाँ देख सकते हैं चारों ओर इनके पराक्रम की कहानियां लिखी गई है। और अब किले के पूरे दर्शन के बाद सिंहगढ़ की स्पेशल कांदा भजी और पिटल भाकर खाने का टाइम आया है। तो गाइज आप भी यहाँ आए तो जरूर ये ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगा। सो गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग। आया आया। और गाइस ये देखिए आ रहा है अभी थकेला फकीर गैंग का अध्यक्ष, एक में वो श्री 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 सानू कुमार। 10,000 के शूज होने के बावजूद 10 की भी कम के स्पीड से चलते हुए पोज मारते हुए गोप्रो को देख के वहाँ से गाइस वहाँ से यहाँ तक आने के लिए पूरे 10 मिनट ले लिए ये भाई साहब ने। गौर से देखिए इस चेहरे को, लेकिन फिर भी ब्लूपर्स में हमारा ही वीडियो डालेगा। ऊपर के सामने मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खुला पकाया, देखो बहुत गंदा पकाया।